हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नीट यूजी इन 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर नीट यूजी। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माय सेल्फ अंशुल वलेचा, एलुमनाई ऑफ आईआईटी गुवाहाटी, नेट जेआरएफ गेट जेस चैम क्वालिफाइड, एक्स फैकल्टी आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली साउथ एक्स ब्रांच, एलन करियर इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, मेंटरिंग द नीट एस्पिरेंट्स फ्रॉम लास्ट 11 प्लस ईयर्स। अनअकेडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं? डेली लाइव क्लास मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है इनलाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, बहुत सारे टेस्ट और क्विजेज होते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज है जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस रहता है वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन। इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स जो अनअकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं, उनकी अनलिमिटेड टाइम्स एनी टाइम फ्रॉम एनी वेयर आप क्लासेस को, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या मिलता है बेटा, ध्यान से समझना। ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान मिलता है विद बाई वीकली रिव्यूज, टेस्ट एनालिसिस, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होता है विद पर्सनलाइज फीडबैक टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। अगर फी स्ट्रक्चर की बात करूं, आइकॉनिक का वन ईयर का फी 45,000 है, टू ईयर का फी 61,000 है, बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा, तो आपकी वन ईयर की फी 40,500 हो जाएगी, टू ईयर की फी 54,900 हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन प्राइजेस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्राइजेस हाइक से पहले पहले। अब प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात करूं, प्लस की वन मंथ की फी 6K है, थ्री मंथ की फी 15K है, सिक्स मंथ की फी 24K है, वन ईयर की फी 30K है, टू ईयर की फी 36K है, बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हैं लाइव एवी, तो आपको फी में 10% का ऑफ मिलता है। जैसे ही आपको फी में ये 10% का ऑफ मिलेगा, तो आपकी वन ईयर की फाइनल फी 27,000 हो जाएगी। ध्यान रखना, लाइव एवी इज माई रेफरल कोड, और इसके बाद 10% के डिस्काउंट के बाद टू ईयर की फाइनल फी 32,400 हो जाएगी। अनअकेडमी लर्निंग ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उस पर अपना क्या करोगे बेटा, फिर रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आज का है टॉपिक, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कंटिन्यूड ऑन सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। हमने अभी पीछे जो किया था सर्कुलर और रोटेशनल मोशन पे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर लिए थे, 1 से 6 कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर लिए थे, अब आगे इसी पे हम और क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो 6 तक वहां हो गए थे, 7th क्वेश्चन, When a car takes a sudden turn, it is likely to fall. बेटा ध्यान से समझना, जब एक कार सडन टर्न लेती है, जैसे यहां आ रही थी, एकदम टर्न ले ले कार, ठीक है, तो कहां गिरने की कोशिश होती है? सडन टर्न, इट लाइकली टू फॉल ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से गिरने की इसकी कोशिश रहती है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्किडिंग अकर्स व्हेन द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ ए फ्लैट रोड ऑन ए कार इज। अब आप देखो बेटा, व्हीकल सेफ टर्न तब लेता है जब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा हो, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है एमवी स्क्वायर बाय आर, मतलब आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग से कम होता है। अब वो कह रहे स्किडिंग कब अकर होगी, अगर आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन एमवी स्क्वायर बाय आर को सफिशियंट ना प्रोवाइड करा पाए, ठीक है, तो ऐसा होगा, तो लेस देन द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड। अगर आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स से कम हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगी बेटा, स्किडिंग अकर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस इन द गिवन चॉइसेस। Centripetal force, centrifugal force are equal in magnitude and opposite in direction, but they are not force of action and force of reaction respectively because both act on the same body. B statement is, centrifugal force is a pseudo force in both inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. So, देखते हैं बेटा क्या option answer बनेगी आपकी. A is true, B is false. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स है, पक्का है, इनर्शियल फ्रेम में तो सूडो फोर्स लगती नहीं, इसलिए ये वाली चीज गलत हो गई, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो नहीं लगती, सूडो कहाँ लगती है बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक क्या है बेटा, सूडो फोर्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन. ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड. ये एक सर्कल है, इस सर्कल में एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड से घूम रहा है. द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कॉन्स्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. एक तो इसमें ओमेगा कॉन्स्टेंट होता है, ओमेगा का वेक्टर भी कॉन्स्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों. वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं होती क्योंकि डायरेक्शन बार बार वेलोसिटी की क्या करती है बेटा, चेंज करती है. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं होता क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बार बार चेंज करती है. सेंट्रिपिटल फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं होती क्योंकि फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रही है, अभी यहाँ है फिर यहाँ पे हो जाएगी, फिर यहाँ पे हो जाएगी फोर्स, फिर यहाँ. तो डायरेक्शन बार बार सेंट्रिपिटल फोर्स की चेंज कर रही है, बट इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये भी आंसर नहीं होगा. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी. अब जब ये सर्कल में ऐसे घूम रही है तो आप राइट हैंड थंब रूल से देखोगे तो आपका जो ओमेगा आएगा वो बाहर की साइड आएगा और वी क्या होता है बेटा, आर ओमेगा. तो वहां से आपके ओमेगा की वैल्यू V by R हो जाएगी. समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द शार्पनिंग ऑफ नाइफ विद द हेल्प ऑफ ए ग्राइंड स्टोन. बेटा एक स्टोन है, इस पे आप नाइफ को शार्प कर रहे हो. द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्पार्क, वो तो ऐसे जाती है, अगर आपने देखा हो स्पार्क ऐसे जाती है, मतलब स्पार्क किसकी तरफ जाती है बेटा, आपके टेंजेंट की तरफ जाती है. देखते हैं रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड. Along the tangent in the direction of rotation of the grid, or along the tangent opposite to the direction of rotation of the grindstone. तो आपकी किस कैसे जाती है, जिस साइड में ग्राइंडस्टोन घूम रहा है उसी साइड में आपकी स्पार्क जाती है, क्यों टेंजेंट के अलोंग ही जाएगी, तो वहां से ये रिजल्ट आपका आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट विद यूनिफॉर्म स्पीड. अब भी ये वही है, सर्कल में घूम रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, मतलब स्पीड इसकी कॉन्स्टेंट. देन फॉलोइंग इज द ट्रू. फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट ओनली इन मैग्नीट्यूड बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस. इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एम वी आर होता है, और डायरेक्शन भी सेम होगी आर क्रॉस पी, डायरेक्शन भी इसकी बाहर आएगी. तो बेटा मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, ध्यान रखना है. एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये हो गई और डायरेक्शन हम ऐसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है. एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट ओनली इन मैग्नीट्यूड बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ये गलत हो गई. एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट ओनली इन डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, क्यों स्पीड सेम है तो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगी. एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही लग रही है मुझे. एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज नॉट कॉन्स्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये गलत स्टेटमेंट है. तो आपका आंसर कौन सी ऑप्शन आ गई बेटा, थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पार्टिकल्स हैविंग मास कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. इफ देयर टाइम पीरियड्स आर सेम देन रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी. बेटा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2π/t. अगर टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा, तो देयर एंगुलर वेलोसिटी विल ऑल्सो भी सेम. तो ध्यान रखना है, तो क्या रेशियो आनी चाहिए बेटा एंगुलर वेलोसिटी की, योर एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स 1, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है. तो थर्ड ऑप्शन विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉडी ऑफ मास 0.1 kg इज मूविंग अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 meters विद ए स्पीड ऑफ दिस वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स. अब आप देखो अगर सर्कल में घूम रही है तो सेंट्रिपिटल फोर्स इधर लगेगी और इसकी वेलोसिटी इधर होगी, एंगल 90 डिग्री का हो गया, थीटा 90 डिग्री का हो गया, तो वर्क डन कितना आएगा बेटा, 0 डिग्री आएगा. तो व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज 0, सो योर आंसर विल बी 4th ऑप्शन. थैंक यू. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. थैंक यू.